connection with Virat has been breaking the internet. So what exactly transpired behind that haircut winning? Basically, I think it was done in all. It happened when I got offered Badrinath ki dhurniya. I asked Shashank se pucha tha ki how will Badri look? What is his look like? Who is he a fan of? And Shashank said ki aaj to desh mein sab log Virat Kohli ke fan hai. Har bachcha Virat Kohli ka fan hai. And ek time pe hota tha ki hum log sab heroes ke baal copy karte the, jaise Amit ji ke hote the ya Salman bhai from Tere Naam. Wo ek trend ho gaya tha. But aaj ke time mein people copy Virat Kohli's hairstyle. तो ही सेड कि तुम झांसी से है तो इल बी दैट वे एंड आई कॉल्ड अप आलिम हकीम हु इज़ माय बाबा एंड टेक्स केयर ऑफ माय हेयर एंड वो विराट के बाल भी काटते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट ओवर देयर एंड व्हाट हैपेंड बाबा ओली ना व्हाट डू यू कॉल हिम आई सेड एनीथिंग इफ यू कट हेयर व्हाट डू यू कॉल दैट पर्सन हेयर स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्ट मतलब अरे बाबा इज अ नाम बाबा भी नाम ही होता ना इट्स फाइन इट्स फाइन आई एम नॉट आई डिडंट से एनीथिंग आई जस्ट स्माइल बिल्लू बाबा बोलते आई डिडंट से एनीथिंग मैं आयशा तो बाबा बोल रही एनीवन हु कट्स हेयर इज अ बाबा ओके एनीवे ही इज अ सैलून ओनर आल्सो हिमालय मैन ही वाज कटिंग आवर हेयर एंड बेसिकली आई टोल्ड हिम आई वांट दैट स्टाइल एंड विराट हैपेंड टू बी देयर एज वेल एंड विराट इज वेरी तो लाफिंग अ लॉट फॉर Salon owner. He owns a salon. A couple here, a franchise. There's so many Hakim Alim salons all over. Yeah, that's true. Yes. So anyway, so Virat was then. Virat is a very down to earth, very humble guy, and I told him ki main aapka hairstyle copy kar raha hu, and he found it very amusing ki ye ho raha hai, and that's it. Very sweet of him to take pictures. Besides that, I think he's a very very down to earth, very humble guy, and now is the captain of our country. I was very hesitant in releasing the pictures, but in fact he only told me that please don't worry about it, it's all in good nature and it's okay, you know. Aap dono social media mein kafi active hai, to social media kahin na kahin ek dangerous platform hai. Danger ho gaya bhai, danger, what danger ho gaya social media. Wahi yaar, jo matlab ek comment daalo to lene ke dene pad gaya. Aapko lagta hai aap kuch daloge ki kuch acha milega, kuch bura hi mil jata hai aapko, kya karega insaan. क्योंकि मतलब पीछे बैठे बैठे मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो और मतलब इतने गंदे गंदे और नॉट इवन गंदे जस्ट सेइंग एनीथिंग आई एम नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वॉन्ट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं मेरे सामने आ किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो एंड देन इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया मैं कहूँगा an excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. किसी भी चीज़ वो आप मतलब बोलते हैं कि फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है बट आप 24/7 अगर वर्कआउट ही करोगे तो इट्स नॉट हेल्दी एनी वे दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी तो आई थिंक लोगों को बच्चों को जो भी मतलब मानते हैं एंड आई एम गोना डू दिस एज वेल क्योंकि मेरे हिसाब से जस्ट बींग ऑन सोशल मीडिया प्रॉब्ली वन आवर डे और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इट फॉर अ वीक इट्स ऑलवेज हेल्दी आप अपना फोन रात को जब आप सोते हो बंद कर दो और फिर सो जाओ इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी लोग कहते हैं कि अगर आप अपना फोन अपने पास में रखोगे यू नो इट यू कैन लोग स्लीप मतलब इट्स नाइसर कीप इट अवे रखो अपना फोन दूर रखो यू नो एक्चुअली वी आर द रॉन्ग पीपल मैं ये भी मानूंगा कि हम लोग अभी ये सब बोल रहे हैं तो लोग बोले अरे तुम लोग खुद ही करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो नहीं बट अगेन यू आर सेइंग इन एक्सेस आई वांट टू ट्राई एंड डू इट नो इट्स नॉट अबाउट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मतलब आप कहीं भी दे सकते हो ना सोशल मीडिया पर ही जाके देने की क्या जरूरत है सो आई थिंक द एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग इज डेंजरस एंड वही हो रहा है सोशल मीडिया इन इटसेल्फ डेंजरस नहीं है बट आप जब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओ इससे तो नो ऑनेस्टली आई थिंक एक बोरिंग हो गया है कि हर एक टॉपिक को एक फिर वो ट्रेंड करेगा ये ट्रेंड इट बिकम बोरिंग इट्स बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल और हम लोग मैं अभी कहना चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म जो रिलीज होने वाली है जो फिल्म है हम लोग नहीं चाहते कि वो फिल्म सिर्फ फिगर्स से जानी जाए हम लोग चाहते हैं कि फिल्म को प्यार मिले क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी दिलवाले दुल्हनिया मेक कोई नहीं बोल पाएगा बिकॉज वी रिमेंबर राज एंड सिमरन वी रिमेंबर द फिल्म वी रिमेंबर द लव द फिल्म एंड द एंजॉयमेंट वी गॉट वॉचिंग इट तो हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे हम्टी को जितना प्यार मिला लोग हम्टी को पहचानते हैं काव्या को पहचानते हैं सेम वे वो लोग बद्री को जाने वैदे को जाने और जो प्यार मिले वो पहचाने एंड एटलीस्ट
मी एंड आलिया, मैं आप सबको बोल दूं कि हम लोग हमारे फिगर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करें, बेटर नॉट पोस्ट, आई डोंट पोस्ट, या वी वोंट। आलिया मैम, आपने कहा कि आपके फेवरेट तन्ना मैम है, तन्ना ने भी कहा कि आपके फेवरेट है आप, उनके तो कॉफी विद करण में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप उसे मानते हैं? देखिए आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी। आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी। हां शी वाज टॉकिंग अबाउट यू। हां आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं। एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज इस पे बहुत बार बोल दिए है नेपोटिज्म के बारे में। मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूं, आपको हमारा गाना पसंद है तो फिर अभी मैं जियो ना, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में तो यही चल रहा है, चलने दो। मुझे अन्नू मलिक जी का वो गाना बहुत पसंद है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। तो यू गिव एन आंसर नाउ, अरे बट आई बोल, वी डू यू मेक अप योर माइंड, अभी हमने स्टैंड लिया हमारे गाने के बारे में बात करने का। सिर्फ वो गाना पसंद है, बलम पिचकारी भी बहुत अच्छा है। बट मुझे बद्रीनाथ की दुनिया का जो नया गाना है ना, वो बद्री की दुनिया, वो बहुत पसंद है। और रोके ना रुके ना, ओ हमारा हमारा कल एक गाना आ रहा है, गाना आने वाला है, एंड अरिजीत सिंह हैज संग द सॉन्ग आफ्टर ही संग समझावा इन हमटी शर्मा की दुनिया। दिस इज द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ द फिल्म, इट्स कॉल्ड रोके ना रुके नैना, कि आप रोना चाहते हो पर आप अपने नैनों को रोक नहीं सकते और वो अपने आप ही रोते हैं, एंड बहुत ही इमोशनल गाना है। और नो वन सिंग्स लव बैलेड्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बेटर देन अरिजीत, एंड दैट्स कमिंग आउट टुमारो, एंड अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है। आप छुपे हुए कब से? अरे बैठे क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ सवाल ही नहीं पूछा आज आपने। मतलब why are you hidden over there? दे मूड दे। अरे you ask उसे। ठीक हो ना? Absolutely. US certificate मिली है फिल्म को। But we also hear the CBFC has asked to include a dowry disclaimer. CBFC has not asked anything. CBFC something that CBFC has said. See, हम लोग सेंसर बोर्ड को वैसे भी काफ़ी कुछ कहते हैं, बट जब नहीं कहना है तो क्यों कहे? कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको, और कुछ उन लोग ने हमारे साथ किया भी नहीं। वी डोंट इवन नो हाउ दिस रिपोर्ट केम आउट, और इनफैक्ट जब ये मैंने भी पढ़ा, ये आई नो यू टॉकिंग अबाउट, एंड मैंने पूछा भी था कि हाउ डिड इट कम आउट, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव गिवन आउट, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली, शी डजंट इवन नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स द फिल्म। सेंसर बोर्ड पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको उससे डील करने, तो हमारे साथ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेंसर बोर्ड। सोनल, सोनू, आई थिंक सोनल, सोनू, थैंक यू गाइस।